पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के सीतापुर में सनसनीखेज ब्लाइंड डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने महज 4 दिन में ही कर दिया। इस खुलासे में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से आला कत्ल बरामद किया है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। इस दोहरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड शकील था, जो कि तालगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शकील की थाना क्षेत्र में करीब 3 साल से गुमशुदगी दर्ज थी, जिसका फायदा उठाते हुए शकील ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त किए गए आला कत्ल बांका, मोटरसाइकिल, मोबाइल, तमंचा, कारतूस सहित 72,000 रुपये बरामद किए। वहीं IG लक्ष्मी सिंह ने इस सफलता पर पुलिस टीम को 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया। इस घटनाक्रम को हम लोगों ने एक चैलेंज के रूप में लिया था और 11 टीमों के साथ 3 CO और 2 SP सामान उसमें लगाए गए थे। स्वयं मैं भी मॉनिटरिंग कर रहा था। शॉर्ट सर्विलांस का उपयोग किया गया, इसमें मैनुअल सुराग रस्सी पता रस्सी भी लगाई गई। और ये इस जनपद के पुलिसिंग पर कोई प्रश्नचिन्ह ना उठे, इसलिए हम लोग इस लिहाज से प्रतिष्ठा का प्रश्न हमारे लिए था। पूरी मेहनत पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने प्रयास किया और ईश्वर की कृपा से ये घटना सही वर्कआउट हुई। माननीय IG महोदया ने इस घटना के खुलासे से प्रसन्न होकर के और जिस टीम ने किया है उसको 50,000 नगद का पुरस्कार दिया है। शमी अहमद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शमी, जो ये दोहरा हत्याकांड हुआ है जिसका खुलासा पुलिस ने 4 दिनों के भीतर ही किया, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, है ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि तालगांव थाना क्षेत्र के मदनापुर गढ़ी में जो है रविवार को 2 अज्ञात शव मिले थे, जिसमें एक युवक का शव मिला था और एक महिला का शव मिला था। और महिला के जो हत्या की गई थी वो धारदार हथियार से निर्मम तरीके से की गई थी। उसके सिर को जो है काट कर जो है कुछ दूरी पर फेंक दिया गया था, जिसको लेकर जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी और शवों की शिनाख्त की गई थी, लेकिन उन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इसको लेकर जो है SP RP सिंह ने जो है सीतापुर में 11 टीमों का गठन किया था और सभी टीमों को लगाया था कि जल्द से जल्द इस मर्डर का खुलासा हो और शवों की शिनाख्त हो। इसके बाद जो है पुलिस ने जो है तमाम जो कंप्लेंट हैं वो छपवाए थे, सभी अलग अलग जो बगल के जो जनपद हैं हरदोई, लखीमपुर, इन सब जगह पे वो कंप्लेंट बंटवाए गए थे। उसी पंपलेट को लेकर एक महिला जो है थाने पे पहुंची थी और उसने बताया कि ये जो मृतक महिला है ये हमारी बहन है। जिसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसमें 5 लोगों को जो है इस महिला से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो जो घटना का जो मास्टरमाइंड है शकील, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि ये जो घटना हुई थी इसको लेकर ये 75,000 रुपये को लेकर घटना हुई थी, जो कि महिला जो मृतक महिला थी उसके पास 75,000 रुपये थे, लेकिन जो शातिर हमलावर थे उनके द्वारा जो जानकारी मिल रही थी उनके द्वारा बताया जा रहा था कि इसके पास जो है लाखों की तादाद में नकदी है। इसी को लेकर जो है इस हत्या पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें इस खुलासे के बाद जो है SP RP सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। वहीं IG लक्ष्मी सिंह ने भी इस पूरे मामले के खुलासे के सख्त निर्देश दिए थे, जिसके बाद जो है ये पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वहीं इस कामयाबी पर जो है IG लक्ष्मी सिंह ने पुलिस टीम को जो है 50,000 रुपये का इनाम भी दिया। तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।